हेलो एवरी वन हाउ आर यू टूडे वी शैल सॉल्व क्लास फोर्थ मैथ्स वर्कशीट टॉपिक डिफरेंट व्यूज़ तो चलिए वर्कशीट सॉल्व करते हैं क्वेश्चन वन ड्रॉ हाउ द सीलिंग फैन लुक्स फ्रॉम बॉटम सीलिंग फैन नीचे से देखने पर कैसा दिखाई देगा उसका चित्र बनाइए तो बच्चों यह आपको स्वयं करना है फॉर योर हेल्प आई हैव प्लेस्ड अ पिक्चर फॉर यू सो दैट यू कैन ड्रॉ द बॉटम व्यू ऑफ अ सीलिंग फैन ईजीली चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन टू ऑब्जर्व द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट एंड कंप्लीट द गिवन टेबल आपको इन ऑब्जेक्ट्स को दी हुई चीजों को ध्यान से देखना है ध्यान से देखने के बाद फिर नीचे दी गई टेबल को कम्प्लीट करना है आप इसमें क्या देख पा रहे हो बच्चों कि यहाँ पर अलग अलग ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो कि डिफरेंट व्यू से दिखाए हुए हैं कोई ऑब्जेक्ट टॉप व्यू से कोई साइड व्यू से तो चलिए अब वर्कशीट में दी हुई टेबल को कम्प्लीट करते हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसके पहले कॉलम में सीरियल नंबर दूसरे कॉलम में नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट और थर्ड कॉलम में हमें लिखना है व्यू कि साइड व्यू है या टॉप व्यू है तो हम पहले में लिखेंगे टर्टल टर्टल के लिए लिखेंगे टॉप व्यू एप्पल टॉप व्यू बॉटल साइड व्यू चेयर साइड व्यू कैन साइड व्यू नोटबुक साइड व्यू स्ट्रॉबेरी साइड व्यू कॉन साइड व्यू शू साइड व्यू टॉय कार टॉप व्यू तो यहाँ हमने टेबल में जो ऑब्जेक्ट जिस व्यू से दिखाया गया था वह हमने लिख दिया है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन थ्री ड्रॉ हाउ योर रूम लुक्स फ्रॉम अबाव ट्राई टू ड्रॉ इट एंड मार्क द विंडो डोर बेड चेयर एट्सेट्रा इन योर ड्राॅइंग आपको एक ड्राॅइंग बनानी है जिसमें ऊपर से देखने पर आपका कमरा कैसा दिखाई देगा उस कमरे में आपको खिड़की दरवाज़ा पलंग कुर्सी आदि बनानी है तो बच्चों यह आप अपने आप करेंगे आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने एक ड्राइंग लगा दी है जिसको देखकर आप इज़ीली ड्राइंग कंप्लीट कर सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन फोर लुक at द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर रेल की पटरी का एक चित्र दिया हुआ है उसको ध्यान से देखना है अब पूछे हुए क्वेश्चन को लिखना है फर्स्ट why द रेलवे ट्रैक लुक्स वाइड एंड बिग एट दिस एंड बट नैरो एंड स्मॉल at द अदर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन एक तरफ से देखने पर रेलवे ट्रैक चौड़ा और दूसरे तरफ से देखने पर छोटा और नैरो दिखाई देता है ऐसा क्यों सही ऑप्शन को चुनिए ए द अदर एंड विल फाइनली गेट क्लोज नो बी बोथ द एंड आर बींग सीन फ्रॉम डिफरेंट डिस्टेंस यस द करेक्ट आंसर इज बी सेकेंड विल द व्यू ऑफ दिस ट्रैक बी सेम when सीन फ्राम a हाइट Draw द टॉप व्यू ऑफ दिस रेलवे ट्रैक इसमें दो चीज़ें पूछी गई हैं पहला विल द व्यू ऑफ़ दिस ट्रैक बी सेम वन सीन फ्राम अ हाइट द आंसर विल बी नो व्यू विल बी डिफरेंट सेकेंड ड्रॉ द टॉप व्यू ऑफ दिस रेलवे ट्रैक तो आपको रेलवे ट्रैक का टॉप व्यू ड्रॉ करना है आपकी हेल्प के लिए यहाँ पर मैंने रेलवे ट्रैक का टॉप व्यू की एक पिक्चर लगा दी है जिसे देख आप इजीली टॉप व्यू ऑफ द रेलवे ट्रैक बना सकते हैं चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन फाइव आशा वाज़ नॉट एबल टू सी एनी यू पिन लाइंग ऑन द टेबल फ्रॉम हर डेस्क बट व्हेन शी रीच क्लोज द टेबल शी वाज एबल टू सी ऑल द स्टेशनरी आइटम लाइंग ऑन द टेबल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आशा अपने बैंक से मेज पर पड़ी यू पिन नहीं देख पा रही थी लेकिन जब वह मेज के पास पहुँचती है तो वह मेज पर पड़ी सभी लेखन सामग्री देख पाती है अब यहाँ पर क्वेश्चन हैं फर्स्ट इज देर एनी यू पिन लाइंग ऑन द टेबल क्या मेज पर कोई यू पिन पड़ी है अगर हम पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो हमें टॉप व्यू से एक यू पिन दिखाई दे रही है तो हम यहाँ लिखेंगे यस सेकेंड वाई शी वॉज नॉट एबल टू सी इट फ्रॉम हर डेस्क वह इसे अपने डेस्क से क्यों नहीं देख पाई हिंट है टॉप व्यू और साइड व्यू तो हम यहाँ लिखेंगे ड्यू टू साइड व्यू सी वॉज नॉट एबल टू सी इट फ्रॉम हर डेस्क साइड व्यू के कारण वह अपने डेस्क से टेबल पर रखी यूपिन को नहीं देख पाई तो बच्चों ये वर्कशीट यहाँ कंप्लीट होती है अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और अन्य विषयों पर बने हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहिए हमारा चैनल नॉलेज किंगडम थैंक यू